वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं द कार्टूनिस्ट राइटर पंकज। एंड गाइस, इस वाली वीडियो में आपको पॉलीगन प्रीमियर सीरीज के बारे में बताने वाला हूँ। अगर आपको ये वीडियो कहीं भी पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को भी भाई सब्सक्राइब कर दो। मैं ऐसे साइकिलिंग से रिलेटेड वीडियोज अपने चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। अगर आप चाहते हो कि मैं किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ भाई, नीचे कमेंट कर देना या फिर आप मेरे से डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो। भी भाई मैसेज भेजे उसका मैं रिप्लाई करने का पूरा ट्राई करता हूँ। एंड एक चीज़ और, अगर आपको अमेजोन से कुछ भी परचेज करना है देन प्लीज़ जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है उसे यूज़ कर लेना। एंड अब आगे इस वाली वीडियो में बढ़ते हैं और इस वाली वीडियो में तबाही मचा दो। गाइस, मैं आपको पहले बता देना चाह रहा हूँ, जो पॉलीगन की प्रीमियर सीरीज़ है इसके अंदर दो साइकिल्स आती हैं, प्रीमियर 4 एंड प्रीमियर 5। एंड जो ये वाली सीरीज जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ ये 2021 वाला एडिशन है। बाकी जो है अब मैं आपको पॉलीगन प्रीमियर 4 के बारे में बताऊंगा। गाइस, जो इसका व्हील साइज है वो 27.5 इंचेस का आपको देखने को मिलेगा। एंड अगर आप देखेंगे जो इसके टायर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैवी लुक में है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा मोटे लग रहे हैं इसके टायर्स। वो इसलिए क्योंकि भाई 2.25 इंच की विड्थ के साथ ये टायर्स आपको देखने में मिल जाएंगे। एंड जो ये विड्थ है भाई ये ऑफ रोडिंग के लिए होती है। अगर आपको नहीं पता है, ज़्यादा विड्थ मतलब ज़्यादा रोलिंग रेजिस्टेंस 2.1 इंचेस का होता है रेगुलर टायर, इसमें 2.25 इंचेस का टायर आपको देखने को मिल रहा है। एंड ये मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ भाई, ऑफ रोडिंग करते समय वाइडर एंड नॉबी टायर वाला टायर काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है भाई ऑफ रोडिंग करते समय, क्योंकि सरफेस में जब आपको ग्रिप नहीं मिलती है तो नॉबी टायर्स की मदद से भाई ग्रिप आसानी से आपको मिलती है। ये मैं भाई खुद के एक्सपीरियंस से आपको बताना चाह रहा हूँ। बाकी दूसरी चीज़ है, इसमें जो हैंडल बार आपको देखने मिलेगा 740mm का है। एंड मैं जनरली रिकमेंड करता हूँ कि भाई एटलीस्ट 680mm या 700mm का हैंडल बार आपके साइकिल में हो। एंड भाई जहाँ तक अभी तक इसकी स्पेसिफिकेशंस देखने को लग रही हैं भाई, ये साइकिल ऑफ रोडिंग के लिए बनी हुई है। तो अगर आपको एक ऑफ रोडिंग के लिए साइकिल लेनी है तो भाई स्पेसिफिकेशन देखो अभी ध्यान से। बाकी अब इसकी बात करते हैं ड्राइव ट्रेन के बारे में। आपको 2 स्पीड के गियर फ्रंट डेरेलर में देखने को मिलेंगे। एंड रेयर जो डेरेलर है वो 8 स्पीड का होगा। 11x32 टीथ का कैसेट देखने को मिल जाएगा। बाकी भाई इसमें आपको शिमानो असेरा देखने को मिलेगा। सबसे पहले आता है शिमानो टर्नी, फिर आता है शिमानो ऑल्टर्स, देन असेरा। एंड ये जो ऑर्डर है ये इस बेसिस में भाई अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि बिल्ड क्वालिटी, शिफ्टिंग एंड वेट। वेट जैसे जैसे आप हायर मॉडल्स में जाओगे जो कंपोनेंट का वेट होगा वो लाइटर होता जाएगा, उसमें लाइट वेट पार्ट्स यूज़ करे गए होंगे। एंड जो बिल्ड क्वालिटी है भाई वो और ज़्यादा बेटर होती जाती है। एंड जो इसमें फ्रंट डिरेलर है वो शिमानो ऑल्टर्स का देखने को मिलेगा एंड वो 2 स्पीड का होगा। जो नेक्स्ट चीज़ है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको देखनी ही चाहिए, वो है इसका सस्पेंशन फोर्क। इसमें भाई SR संतोर का XCE वाला 120mm का सस्पेंशन फोर्क देखने को मिलेगा। एंड भाई 120mm का सस्पेंशन फोर्क है काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है। जनरली साइकिल्स में इस बजट में 100mm का सस्पेंशन फोर्क देखने को मिलता है, इसमें आपको 120mm का देखने को मिल रहा है, काफ़ी ज़्यादा सही चीज़ है। जो नेक्स्ट चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इसमें जो स्टेम है प्लस जो सीट पोस्ट है इसमें अलॉय का आपको देखने को मिलेगा। काफ़ी सारे साइकिल्स में इस भी बजट में स्टील का देखने को मिलता है, इसमें अलॉय का है ये भी बात भाई ध्यान में रखना। सबसे पहले स्टील आता है, देन अलॉय, देन एल्यूमिनियम एंड देन कार्बन और जो भी है इसके बाद। जिस ऑर्डर में मैंने आपको बताया है इसमें भाई स्ट्रेंथ भी होती है एंड वेट होता है मेजर फैक्टर। एंड भाई जितना ज़्यादा आप स्पेंड करोगे आपको ट्राई करना है कि जो साइकिल का वेट है वो और ज़्यादा कम होता जाए। एंड कम इसलिए होना चाहिए भाई क्योंकि साइकिलिंग में चलता है पावर टू वेट रेशियो। जितना आप कम वेट की एक साइकिल में पावर डालोगे एंड उसी टाइम दूसरी साइकिल में उतनी पावर लगाओगे लेकिन उस साइकिल का वेट ज़्यादा होगा तो भाई ज़्यादा तेज एंड ज़्यादा जो डिस्टेंस कवर करेगी सेम पावर के साथ वो हल्की साइकिल करेगी। काफ़ी सारे लोग साइकिल का स्टैंड उतार देते हैं, अलग अलग चीज़ें करते हैं भाई वेट को रिड्यूस करने के अपने साइकिल से। उसके बाद इस साइकिल का जो वेट है वो 15.2 kgs है, ये बात भी भाई ध्यान में रखना। जनरली जो MTB का वेट होना चाहिए वो मैक्सिमम 15 या 17 किलो होना चाहिए, इससे ज़्यादा वेट वाली साइकिल भाई बिल्कुल भी मत खरीदना। भारी साइकिल में भाई दिक्कतें ही दिक्कतें हैं, हल्की साइकिल को प्रेफर करना हमेशा। बाकी इसका जो फ्रेम का मटेरियल है वो एल्यूमिनियम फ्रेम है भाई, ये AL6 XC स्पोर्ट फ्रेम इसके फ्रेम का नाम है। जो इसमें रिम्स आपको देखने को मिलेंगी वो अलॉय देखने को मिलेंगी। एंड जो इसमें भाई ब्रेक्स हैं, अगेन जो नेक्स्ट मैं इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ भाई, एक होते हैं मैकेनिकल डिस्क ब्रेक्स, एक होते हैं हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक्स। आपको मेक श्योर करना है कि भाई आप इतना ज़्यादा स्पेंड कर रहे हो आपकी साइकिल में हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक्स हो ही हो। प्लस इसमें आपको टेक्ट्रो के HD M275 वाले हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक्स देखने को मिलेंगे। हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक्स भाई सिमिलर होते हैं जो ब्रेक्स गाड़ियों में होते हैं, सिमिलर भाई हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक्स होते हैं, काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट ब्रेक्स होते हैं मैकेनिकल डिस्क ब्रेक्स। एंड हाइड्रोलिक में भाई ब्रेकिंग ठीक है, ब्रेकिंग आप अगर मैकेनिकल को ढंग से एडजस्ट कर लोगे ब्रेकिंग सिमिलर हो जाएगी, लेकिन भाई जो कंसिस्टेंसी के साथ हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफर करता है वो ज़्यादा बेटर रहती है। अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे
मोस्ट प्रोबेबली आपको दो या तीन फिंगर्स यूज़ करनी होंगे मैकेनिकल डिस्क ब्रेक्स को जब आप अप्लाई करोगे ब्रेक्स, लेकिन भाई हाइड्रोलिक ब्रेक्स जब आप अप्लाई करोगे तो आपको सिर्फ एक फिंगर को यूज़ करना पड़ता है, जो कि भाई काफ़ी ज़्यादा आसान है। नेक्स्ट साइकिल है वो है पॉलीगन की प्रीमियर 5। इसमें भी भाई काफ़ी ज़्यादा सिमिलर स्पेसिफिकेशन है, बट जो मेजर डिफरेंस है वो है ड्राइव ट्रेन में। इसमें भाई 2x9 की स्पीड की आपको ड्राइव ट्रेन देखने को मिलेगी, उसमें 2x8 थी, इसमें 2x9 है। एंड जो इसका डेरेलर है वो शिमानो अलिवियो का है रेयर डेरेलर। मैंने आपको बताया था सबसे पहले टर्नी, देन ऑल्टस, देन असेरा, देन अलिवियो, तो इसमें भाई अलिवियो आता है। प्लस एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है भाई, इसमें आपको हाइड्रोलिक लॉकआउट सस्पेंशन फोक देखने को मिलेगा। उसमें सेम सस्पेंशन फोक था लेकिन वो लॉकआउट नहीं था। जो ट्रैवल होगी वो सेम देखने को मिलेगी, लेकिन भाई एक एडेड पॉइंट है कि इसमें लॉकआउट सस्पेंशन फोक आपको देखने को मिल जाएगा। एंड जो इसका कैसेट है उसकी जो रेशियो है वो 11:36 टीथ का है। 36 टीथ पे भाई काफ़ी ज़्यादा लाइट चलेगा आपका पैडल, जिस वजह से जब आप क्लाइंबिंग करोगे तो काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी आपको। एंड 11 टीथ पे काफ़ी ज़्यादा हार्ड चलेगा, इस वजह से भाई जब आप नॉर्मल रोड पे राइड कर रहे हो तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। इसमें भी भाई आपको 740mm का हैंडल बार देखने को मिलेगा। जो ब्रेक्स हैं इस वाली साइकिल में सेम टेक्ट्रो हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक्स देखने को मिलेंगे। व्हील्स, टायर सब कुछ भाई सेम है इस वाली साइकिल में। तो गाइस मैंने आपको दोनों साइकिल्स के बारे में बता दिया है, प्रीमियर 4 एंड प्रीमियर 5। जो प्रीमियर 4 है वो 37,490 रुपीज़ का आपको देखने को मिल जाएगी, एंड जो प्रीमियर 5 है वो आपको 41,990 रुपीज़ में देखने को मिलेगी। प्लस जो भी है भाई ये MRP है, जब भी आप साइकिल लेने जाओ तो आपको डिस्काउंट हमेशा मिलता है। एंड अगर आपको डिस्काउंट नहीं मिले तो आपको साइकिल के साथ थोड़ी बहुत एक्सेसरीज हो सकते हैं फ्री में मिल जाए। तो अब मैं आपको जो मेजर डिफरेंस है पॉलीगन प्रीमियर 4 एंड प्रीमियर 5 के बीच, दोनों साइकिल्स का फ्रेम भाई सेम है, इसमें दोनों में ही एल्यूमिनियम फ्रेम देखने को मिलेगा। एक चीज़ मैं भूल गया था बताना, दोनों ही साइकिल्स में भाई आपको इंटरनली रूटेड केबल्स देखने को मिलेंगी। एंड इंटरनली रूटेड केबल्स में भाई फ्रेम के थ्रू केबल्स जा रही होती हैं, यानी कि फ्रेम में आपको कोई भी केबल देख नहीं मिलेगी। एंड अगर भाई लुक वाइज इंटरनली रूटेड केबल वाली साइकिल को अगर आप देखोगे तो ज़्यादा लुक्स में ज़्यादा अच्छी दिखती है, क्लीन लगती है साइकिल, एंड एस्थेटिकली भाई काफ़ी ज़्यादा बढ़िया दिखती है साइकिल। जो दूसरी चीज़ है जो सस्पेंशन फोक है, प्रीमियर 5 में आपको लॉकआउट सस्पेंशन फोक देखने को मिलेगा और प्रीमियर 4 में भाई सिंपल प्रीलोड वाला सस्पेंशन फोक आपको देखने को मिलेगा। फ्रंट डेरेलर दोनों साइकिल्स का ऑल्टस है, प्रीमियर 4 का रेयर डेरेलर असेरा है एंड प्रीमियर 5 का अलिवियो है। तो ये चीज़ भाई ध्यान में रखना, एक 2x8 स्पीड की है, दूसरी 2x9 स्पीड की है। जो दूसरी चीज़ है ब्रेक्स, ब्रेक्स भाई दोनों साइकिल्स के टेक्ट्रो के हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक्स आपको देखने को मिल जाएंगे। बाकी भाई जो वेट है, प्रीमियर 4 का जो वेट है वो 14.7 kg है, प्रीमियर जो 5 है वो 14.2 kg की वेट की साइकिल है। भाई लाइट वेट साइकिल है प्रीमियर 5। भाई मैंने आपको सारी डिटेल, सारी स्पेसिफिकेशन, हर चीज़ बता दी है प्रीमियर 4 एंड प्रीमियर 5 के बीच में, प्लस मैंने दोनों के बीच में कंपैरिजन भी करके बता दिया है। अब मैं आपको ये बता दूं कि अगर मैं सिचुएशन में होता एंड मेरे को प्रीमियर 4 एंड प्रीमियर 5 के बीच में से कोई साइकिल पसंद करनी होती या खरीदनी होती तो मैं किस साइकिल पर जाता। देखो भाई मेरा मेन अप्रोच ये रहती है हमेशा से ही साइकिल से रिलेटेड, जब भी भाई साइकिल खरीदने जाओ अगर मेरे पास 40,000 या 45,000 रुपीज़ भी हैं, मतलब 45,000 में जो मेरे को बेस्ट साइकिल के स्पेसिफिकेशन वाली साइकिल देखने को मिलेगी मैं वो साइकिल खरीदूंगा। एंड अगर ये मेरा मैक्सिमम बजट है, इससे ज़्यादा मेरे पास एक भी रुपये नहीं बच रहा है कि मैं अपना कोई अच्छा एक्सेसरी परचेज कर पाऊँ, अच्छा हेलमेट ले पाऊँ, तो फिर भी भाई मैं मैक्स आउट करूँगा अपनी साइकिल में। एंड धीरे धीरे करके, जैसे पहले मैं सस्ता हेलमेट खरीदूंगा, धीरे धीरे करके भाई अपग्रेड करूंगा, महंगा हेलमेट बाद में खरीद लूंगा एक दो महीने बाद, बेटर जो जर्सी होगी, जो शॉर्ट्स होंगे वो मैं बाद में भी खरीद सकता हूँ। लेकिन भाई साइकिल आप लेते हो, एक बार लेते हो एंड एक साइकिल को 4-5 साल इजीली आप उसके साथ बिता सकते हो, 3-4 साल तक किसी भी साइकिल को आप इजीली चला सकते हो। अगर इस सिचुएशन में मेरे को प्रीमियर 4 एंड प्रीमियर 5 के बीच में चूज़ करना पड़ता तो मैं प्रीमियर 5 को लेता। मेरे को 2x9 स्पीड की ड्राइव ट्रेन मिल रही है, प्लस लॉकआउट सस्पेंशन फोक मिल रहा है, प्लस जो भी ये फीचर्स हैं ये एड ऑन हो भी रहे हैं। ब्रेक्स चाहे सेम हो, चाहे बाकी स्पेसिफिकेशन सेम हो, जो मेरी साइकिल प्रीमियर 5 है उसका वेट भाई कम हो रहा है, ज़्यादा स्पेसिफिकेशन के बाद भी मेरे साइकिल का वेट कम हो रहा है। बाकी भाई ये मेरा ओपिनियन है, आपके ओपिनियन की मैं पूरी तरीके से रिस्पेक्ट करता हूँ। भाई आप अपने ओपिनियन के बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या कोई साइकिल के बीच में आप कंफ्यूज हैं भाई कमेंट करो, मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूंगा। बाकी भाई अगर आपको ये वीडियो कहीं भी पसंद आया आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, एंड सब्सक्राइब कर रहे हो तो नोटिफिकेशन की बेल भी दबा देना ताकि आपको मेरी नई वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं उसे अपलोड करूंगा। एंड अगर आपको भाई वीडियो इतनी ज़्यादा पसंद आ गई, आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और मेरा फेसबुक पेज भी लाइक कर सकते हैं, वहाँ पे मैं अपने साइकिलिंग राइड्स से रिलेटेड अपनी फोटोज, अपनी पोस्ट जो भी होती है भाई सब मैं अपडेट करता रहता हूँ। एंड आपको ज़्यादा अच्छा कनेक्शन हो जाएगा मेरे साथ, तो हाँ आप मेरे को इन इन जगह पे आके भी फॉलो कर सकते हो। बाकी दैट इज इट गाइस फॉर दिस वीडियो, मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटर पंकज, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन बाय गाइस। I'm not sure if I'm going to be able to do that.
You.